राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा आरोप। अमित शाह और एनएसए डोवल पर भी राहुल गांधी ने आरोप लगवाए और कहा कि ये लोग हिंसा करवाते हैं। राहुल गांधी ने पीएम पर हिंसा करवाने का आरोप लगाया है। पीएम नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवाल पर लगाए गए आरोप साबित करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ एनएसए अजीत डोवाल पर हिंसा कराने का आरोप। मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ, मेरे दिल में वही हुआ है। मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं, मेरे दिल में वही हुआ है। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर ऐसा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर के बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोवाल पर हिंसा करवाने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। कहा, बीजेपी और आरएसएस वाले मुझे गाली देते हैं। पुलवामा शहीदों के घर वालों पर क्या बीता मैं समझता हूं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शहीदों के परिवारों का दर्द नहीं जानते। मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने हिंसा नहीं देखी। मोदी, शाह और आरएसएस डरते हैं। रवि, अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो अपनी यात्रा के समापन में जो उन्होंने बात कही है, इससे पहले भी वो पीएम पर आरोप लगाते रहे हैं, चाहे चौकीदार चोर हो का मामला हो, खून की दलाली जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन आज जो बात उन्होंने कही है हिंसा करवाने का, इसको लेकर के बड़ा सियासी घमासान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर, अमित शाह पर और अजीत डोवाल, पहली बार उन्होंने अजीत डोवाल को भी इसमें घसीटा है और उन्होंने उनको बोला है कि ये लोग हिंसा करवाते हैं। पहले उन्होंने अपने को हिंसा का पीड़ित बताते हुए, अपने परिवार को हिंसा का पीड़ित बताते हुए इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र किया, उसके अलावा राजीव गांधी की हत्या का जिक्र किया, उसकी पूरी कहानी सुनाई और उसके बाद उन्होंने बोला कि हिंसा का दर्द वो नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वो हिंसा करवाते हैं। और ये आरोप कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है क्योंकि प्रधानमंत्री पर इस तरह का आरोप लगाना, गृह मंत्री पर इस तरह का आरोप लगाना, और चूंकि राहुल गांधी का लाइन है कि वो लोग नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं और अब मैं प्यार फैला रहा हूँ, मैं मोहब्बत फैला रहा हूँ, तो इस मीनिंग का अर्थ है। देखिए अभी तक जितनी बार अटैक आप प्रधानमंत्री को किए हैं, चाहे तो मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा प्रधानमंत्री को, आपको ये भी याद है, राहुल गांधी ने मौत की दलाली का मामला कहा जब सेना के लोगों का अटैक वाला मामला चल रहा था, तब उसका भी क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और अब इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी उसी चीजों में फंसते जा रहे हैं जो पहले, जिसका नुकसान पार्टी झेल चुकी है। क्योंकि आप अपने मुद्दों पर चले, तमाम जो जनता के मुद्दे उस पर आए, लेकिन अगर इस तरह के मुद्दे का आरोप लगाएंगे जिससे जो प्रधानमंत्री, ऐसे बयानों से राहुल गांधी किसको एड्रेस करना चाहते हैं इस यात्रा के दौरान? जो कांग्रेस नेताओं के बयान है उनसे जब आपने भी सवाल पूछा चुनावी राजनीति को लेकर, तो उनका यह कहना होता है कि वो चुनावी राजनीति की बात नहीं करते हैं, वो तो पैगाम दे रहे हैं मोहब्बत का। क्या उन्हें यह लगता है कि विपक्ष के नेताओं के बीच, विपक्ष की पार्टियों के बीच सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बने, फिलहाल पहला टारगेट यह है और इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं? देखिए कोशिश तो यही है, उन्होंने बार बार यही कहा कि दो तरह की विचारधारा है देश में। जब कल भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि विपक्ष के आपके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है, विपक्ष के लोगों को कैसे आप जोड़ेंगे, तो उनका यही कहना था कि दो विचारधारा, एक है जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है और उसके खिलाफ जो भी लोग हैं हम उनको चाहेंगे कि हमारे साथ आके खड़े हों। तो लगातार बीजेपी और आरएसएस पर अटैक करते हैं कि ये लोग
लोग देश में हिंसा फैला रहे हैं। जब ठीक है रवि, क्या राहुल गांधी को अभी भी ये लगता है कि पीएम के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाकर, और इसके साथ साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इन आरोपों का कोई सबूत देंगे या सिर्फ ये सिर्फ हवा में कही गई बात है? देखिए, जो पहला सवाल आपने पूछा उसका सीधा अर्थ यह है कि पीएम के खिलाफ अटैक कर राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता वो हैं और उनके साथ विपक्ष को रहना चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक करते हैं। चाहे पहले आपने जो बात कही कि जिस तरह से उनको चौकीदार चोर है की बात उन्होंने कही, वो कहकर उन्होंने अपने आप को साथ जोड़ना चाहा, और सबूतों का जहां तक सवाल है तो राजनीति में सबूत नहीं दिए जाते हैं। राजनीति में तो आपने जो बोल दिया और अगर जनता ने उसको मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो नहीं माना। विश्वनाथ प्रताप सिंह वो फोर्स कांड में कहते थे कि हमारे जेब में जो पर्ची है इसी पर्ची में सारा नाम है और इससे ये जब निकालूंगा तब राजीव गांधी जेल चले जाएंगे। वो पर्ची निकली नहीं, लेकिन उस पर्ची के नाम पर पूरी सरकार चली गई। तो जो जनता एक्सेप्ट करे, सबसे बड़ी बात है कि जनता क्या मानती है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल दंगा फैलाते हैं चाहे हिंसा करते हैं, ये बात सही है क्या? अगर जनता ये मान लेती है तो राहुल गांधी की बात सच है, और जनता नहीं मानती है तो माना जाएगा कि राहुल गांधी ने वही गलती की जो सोनिया गांधी ने 2007 में की, जो मणिशंकर अय्यर ने बाद में की। राहुल गांधी ने खून की दलाली की बात की और अब चौकीदार चोर है कहा, और अब जाकर फिर से राहुल गांधी ने एक चौथी गलती कर दी। तो ये सब जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता इन बातों को कैसे एक्सेप्ट करती है। जो नेता आरोप लगाते हैं चाहे जो जनता के सामने वो बात रखते हैं, आरोप साबित करना बहुत मुश्किल होता है राजनीति में। लेकिन राजनीति में आप कहते हैं ना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा और परसेप्शन, किसका परसेप्शन क्या है राहुल गांधी की बातों को लेकर आप जानते हैं कि परसेप्शन जनता में क्या है, और प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाया जाता है पार्टियों से, उसको जनता कैसे एक्सेप्ट करती है, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। पॉलिटिक्स मतलब प्रोपेगेंडा, पॉलिटिक्स मतलब परसेप्शन, इन्हीं दोनों चीजों पर पॉलिटिक्स चलती है। राहुल गांधी का ये बयान रवि कहीं ना कहीं डेस्परेशन को दिखाता है या फिर जो यात्रा के दौरान भीड़ दिखी इससे अति उत्साहित हो गए हैं राहुल गांधी? ये भी हो सकता है कि यात्रा के दौरान जो उनको उत्साह मिला है, लोगों का सपोर्ट मिला है, जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़े हैं, तो उनको लगता है कि अगर वो अटैक कर रहे हैं और उनकी बात जनता देखिए, गौर करने वाली बात ये, क्या जनता इस बात का फीडबैक उनको दी है? क्या बातचीत के दौरान राहुल गांधी को क्या जनता ने ये कहा है कि देश में बहुत ख़राब माहौल है, हिंसा फैलाने का माहौल है, दंगा का माहौल है, या फिर जनता ने बेरोजगारी की बात की है, जनता ने महंगाई की बात की है? अब क्या जनता ने उनसे कहा है और जनता के फीडबैक के आधार पर राहुल गांधी ये बातें कह रहे हैं, या राहुल गांधी फिर अपनी बात को जनता तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है, वही जो इंडोर्स करवाना चाहते हैं जो उनके मन में पहले से है? बिल्कुल। रवि, अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने और आरोप लगाया है कि पीएम हिंसा कराते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल का भी नाम लिया है राहुल गांधी ने और हिंसा कराने का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। यात्रा खत्म होने के दौरान जो रैली की उसमें राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है। मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं, हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ, मेरे दिल में वो ही हुआ है। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए पुलवामा का जिक्र किया। कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह जो है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे, तो क्या ये माना जाए ये सब कुछ एक सीक्वेंस में चल रहा है? लेकिन बड़ी दिलचस्प बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन से दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है, दिग्विजय सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। आज भी मंच पे नहीं दिखाई दिए, न कल वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे खास तौर पे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरह के बयान देकर आप सनसनी तो फैला रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयानों का फ़ायदा क्या होगा? लाइन दिग्विजय सिंह का ही है, दिग्विजय सिंह इस तरह की बात को लेकर प्रमोट करते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जिससे सोनिया गांधी ने अगर कहा कि मौत का सौदागर, तो उसका फ़ायदा हुआ क्या कांग्रेस पार्टी को? उसका नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, उसी तरह क्या आपने कहा कि खून की दलाली करते हैं प्रधानमंत्री, तो इसका फायदा हुआ क्या कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनाव पे? नहीं हुआ। तो फिर आप उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसी लाइन पर चलना चाहते हैं जिससे आपको लगातार नुकसान हो रहा है, या फिर उस लाइन को चेंज करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी का वही लाइन है जो अगर पिछले 15 साल से 20 साल से देखिए कांग्रेस पार्टी की राजनीति चल रही है, जो मोदी के खिलाफ राजनीति चल रही है। तो मोदी को जितना आप अटैक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को, उतना वो मजबूत।